जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लुका 12 अध्याय का 17 वचन। जब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। इस मनुष्य ने मन में क्या विचार किया है? इसका खेत का उपज इतना उब गया है, कटनी जब ज्यादा बढ़ गई है, वो क्या कह रहा है 17-18 वचन में? मैं क्या करूंगा, मैं इस अनाज को रखने के लिए जगह नहीं है, मैं ये काम करूंगा, मैं उस कलिहान को बकारिया तोड़ के उस मेरे अपने उपज को मेरे इत्यादि को मैं बड़ा बटोर के रखूंगा। वो बार बार यही कहता है, सारे खुद के बारे में सोच रहा है, लेकिन उस अच्छा से जब कटनी होने से पहले उसको क्या कहना था, क्या करना है, अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान को सबको बुला के प्रभु के लिए स्तुति करना था, धन्यवाद देना, प्रभु ने मुझे आशीष दी है, मैंने बोया है, प्रभु ने कटनी दी है, प्रभु की महिमा हो, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद देना। कारण क्या है? आप उत्पत्ति 1:33 में सारे सृष्टि प्रभु ने किया है, आकाश और पृथ्वी, पेड़ पौधे सब प्रभु ही सृष्टि करता है। व्यवस्था विवरण 8:18 में संपत्ति को कमाने का बल वही देता है, मेहनत करने का शक्ति को, बल को, सबको परमेश्वर ने दिया, आशीष दिया, प्रभु को भूल गया है, वो अपने पर निर्भर रहा। कितनी बड़ी दुखी की बात है। आज मेरे प्रिय, बहुत बात परमेश्वर जो हमारे लिए भलाई करता है उसको, प्रभु को हम स्तुति नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, हम यही कहते हैं मेरी खूबी है, मेरा बल है, मेरे पढ़ाई है, इसी पर हम निर्भर हो जाते हैं। हम कितने कमाई की है, इतना मेहनत की है, इतना प्रभु मुझे दिया आशीष को, अपने खुद के लिए जो घमंड का रूप में कहता है, ये परमेश्वर की नजर में बहुत ही दुखी की बात है। इसलिए मेरे प्यारों, जो प्रभु हमारे लिए दिया है, घर, मकान, जो आमदनी, परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, सभी बातों के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देना, और सारे भलाई को जो प्रभु ने दिया है उसको प्रभु को अच्छा से स्तुति करने से संसारिक आशीषों भी परमेश्वर भर के हमें आशीष दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया।